हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 12th के साइकोलॉजी, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी इंग्लिश पे लिखी हुई है। और ये सेट वन है दोस्तों। इस तरह के अगर सेट चाहते हैं तो आपका जो है बहुत सारे सेट आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आपको लगे तो लाइक करना, और अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। तो सेट वन को हम लोग आज कवर करेंगे, जिस तरह से देख पा रहे होंगे इसको हम लोग कवर करेंगे। मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर यानी वेंडुरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर है क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर यानी खराब कार्य। दोस्त तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि तीसरा नंबर क्या है, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी तीन नंबर का द नंबर यानी रोर शाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है, डी एच एम चतुर्थ में कितने आयाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर का 100 नंबर यानी क्या हो जाएगा, पाँच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे क्या है कि एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध रहता है, यह उदाहरण किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पाँच नंबर का 100 नंबर यानी विस्थापन। तो दोस्तों आप लोग भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं, पाँच कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छः नंबर का अ नंबर यानी मैं करके तथा कोस्टा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सात नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि बुद्धि का एस्कार किए सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर का वो नंबर यानी बीने ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बीने साइमन उसका पूरा नाम है। अब आठ नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठ नंबर का 100 नंबर यानी फ्रायट ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, देख पाएंगे आप लोग क्या है, परामर्श क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर का सही जवाब दो नंबर यानी उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दस नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, स्क्रीन पर देख पाएंगे आप लोग क्या है, संज्ञात्मक प्रतिबल प्रबंध तकनीक में डैश अवस्थाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दस नंबर का राइट आंसर ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा तीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके हैं ग्यारह नंबर, देख पा रहेंगे आप लोग क्या है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्री से एक परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छह नंबर यानी अशाब्दिक परीक्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से स्क्रीन पर क्या है, 12 नंबर, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का ब नंबर यानी मनोच्छेदी आत्मस्मृति विकृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी वो जो है आप इसे देख पाएंगे आप लोग क्या है कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का अ नंबर यानी भय नवीनीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीन पे 14 नंबर आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का 100 नंबर यानी ब्यूलर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है क्या है, सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का वो नंबर या 15 नंबर का क्या हो जाएगा, बौ नंबर यानी 90 से 109 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला है 16 नंबर है, निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का 100 नंबर यानी आशंका जो है चिंता का मुख्य कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आज के पूरे तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है कि मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का बौ नंबर यानी पाँच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, इन द माइंड्स
ऑफ मैन संबंधित है, इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित किससे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का द नंबर यानी गार्डन से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। सेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या 19 नंबर का 100 नंबर यानी 3। तो अब अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अंतिम क्वेश्चन आ चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसी तरह के जो है मॉडल सेट पाने के लिए कमेंट करें कि सर लेकर आइए या फिर दोस्त लेकर आइए या भाई लेकर आइए, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका 20 नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि 20 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग, संज्ञात्मक और संवादिता सिद्धांत संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 नंबर यानी मनोवृत्ति। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सजेशन कीजिए कि किस विषय का हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट लेकर आएँ जो आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोग ज़्यादा देख पाओ। तो आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।